आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अभी ग्रेजुएट हुए नहीं या पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने की या कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लिया, वो एक दूसरे के साथ ये कंपैरिजन करते हैं, तुझे सैलरी कितनी मिली, तेरी कैंपस रिक्रूटमेंट कितने पर हुई, तेरी फर्स्ट सैलरी कितनी है, तेरे फर्स्ट टेक होम कितना है। अरे तुमने अभी काम शुरू किया नहीं, सैलरी पे कंपैरिजन आता है और इसी बात पे लो फील करते हैं कि मेरा वो जो फ्रेंड है उसकी तो कैंपस रिक्रूटमेंट में इतनी सैलरी आई, वो फलां का बेटा जो है या बेटी है उसको इतनी सैलरी मिल रही है। अरे भाई सबसे पहले प्लीज़ फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन गेटिंग स्किल्स। पहले 5-7 साल पहले ज़माने में तो बोलते 10-15 साल इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। खैर ज़माना बदल गया है ना, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, चेंज इज़ ऑलवेज हैपनिंग। सो मॉडर्न टाइम्स में आज के करंट युग में मेरे ख्याल से 5-7 साल आपको पैसे के बारे में ना सोच के, पैसे के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि आपको एक अच्छा फ्रीडम वाला फ्लेक्सिबल, आपको स्किल एनहैंसमेंट के लिए, नॉलेज एनहैंसमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, और आप उस जगह काम कीजिए। आप अच्छे ब्रांड्स में भी काम कीजिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कीजिए, छोटा हो बड़ा हो आप काम सीखिए, पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, पहले कई टाइप के लोगों से मिलिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को समझिए, पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, उसके बाद बात कीजिए 5-7 साल बाद कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं अभी 19 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 20-21 साल का बच्चा सैलरी के बारे में बात करता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो सैलरी मिलनी भी चाहिए, मत उसकी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जो पेपर के ऊपर क्या लिख कर आ रहा है सैलरी पे, आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे क्या लिखा है, जो कि आप वो ऑब्जेक्टिव ही भूल जाते हैं कि आप जब ग्रेजुएट होते हैं या कोई भी प्रोफेशनल इससे बाहर निकल कर आते हैं, स्टडीज़ फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करके जब आप काम करने के लिए निकलते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों आप सिर्फ काम पे ध्यान दो, आप 5-7 साल अपने जीवन के खूब खूब एक्सपीरियंस लो, खूब अनुभव लीजिए, वही आपको जो है, अगर आपने 5-7 साल लगा दिए तो अगले 50-70 साल आपके जो हैं योर लाइफ इज़ मेड। पैसा तो आपका पीछा करेगा, लेकिन अगर डे वन से आप सिर्फ सैलरी की बात करेंगे एंड जस्ट बिकॉज के पीयर ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, अरे उसको इतना मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है, उसने ईएमआई पे गाड़ी ले ली, उसने ईएमआई पे घर बुक कर लिया, ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो फर्स्ट फोकस ऑन गेटिंग द स्किल्स एंड आफ्टर दैट आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सो वर्क फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर गुड ब्रांड्स एंड वर्क फॉर इन अ एनवायरनमेंट वेयर यू गेट द फ्रीडम टू बी योर सेल्फ। और अपने को भी तो डिस्कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, यू आर नॉट देयर जस्ट टू वर्क फॉर मनी, यू आर नॉट देयर जस्ट टू वर्क फॉर मनी, यू आर देयर टू डिस्कवर योर सेल्फ वाइल यू आर वर्किंग, ओके?